क्या गुजरेगी उनके दिल पे। वो अब तक शहीद हो चुके हैं, जो अब वाकया हुआ पेशावर में, मासूम बच्चे जो हैं वो किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, वो दर्दी से उन्हें गोलियाँ मारी गई हैं, धमाके किए गए हैं। आपका क्या? बहुत बड़ा सवाल है जी, इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम है। मैं ये समझती हूँ कि दहशत गर्द जो है उनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो किसी खुदा को नहीं मानते, किसी आयन कानून को नहीं मानते। उनको इतना शर्म नहीं आया कि मासूम बच्चों का कसूर क्या था। वो दहशतगर्द भी बाप होंगे, किसी के बेटे होंगे, उनके बच्चों को इस तरह मार दिया जाए, क्या गुजरेगी उनके दिल पे। इन्होंने जो 130 घर उजाड़ दिए, आप यकीन माने कि मेरा आज सेशन पे आने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, और मैं दिल चाह रहा मैं वहां और उन माँ बाप के साथ चीखे मार मार कर रहूं, कहूं कि नहीं इस जाति और इन मुजरिमों को यूं ना मारे, इनको इतनी बृहतनाक सजा दे, इनको शूट ना करें, इनको पकड़ के इतनी बृहतनाक सजा दें कि दोबारा किसी माँ की गोद ये ना उजाड़े, किसी बच्चे को शहीद ना करें। मैं भी माँ हूं, उन माओं को मालूम था कि आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोबारा वो नहीं देखेंगे। इतना जुल्म, इतना कुफर उन बच्चों के साथ, मासूम बच्चों ने क्या गुनाह किया, क्या कसूर था उनका। दहशतगर्द ये क्यों नहीं सोचते कि उन्हें खुदा के दर पे हाजिर होना है। कितनी मन्नतों से जो है हम माँ बाप बच्चे जो मांगते हैं अल्लाह मियां से, कितनी मन्नतों से बच्चे माने हुए होते हैं और सहारा होते हैं, उनकी जिंदगी का सहारा होते हैं उनके। मैं कहूँ ना, मेरा बच्चा बीमार हो जाए, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे कुछ ना अल्लाह मियां इसकी तकलीफ मुझे दे दे, मेरे बच्चे कोई तकलीफ ना पहुंचे, तो उन माओं पर क्या गुजर रही होगी, उन वालदैन पर क्या गुजर रही होगी जो अपने बच्चों को इस हालत में रखेंगे। Thank you.